लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेन एक्टिविटी जो है हमारी ये मेन क्लास, उसके अंदर उन दोनों बटन्स पे क्या हो रहा है कि अगर मतलब न्यू गेम के बटन पे क्लिक हो रहा है तो सारे के सारे लेवल्स आ रहे हैं, लेवल्स की एक्टिविटी खुल रही है, और अगर पुराने गेम वाले मतलब लोड गेम पे क्लिक हो रहा है तो मतलब वो प्रीवियसली जो सेव्ड है वो उसको कॉल कर रहा है। अब हम देखेंगे कि लेवल्स की एक्टिविटी में क्या होता है। अगर आप यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक हैंड देगा, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट उसी क्लास पे लेके आ जाएगा। इस एक्टिविटी के अंदर ये हो रहा है कि पहले हम इसका लेआउट देख लेते हैं कि इसका लेआउट जो है, इस लेआउट के अंदर एक ग्रिड व्यू यूज़ हो रहा है। ग्रिड व्यू क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स, आपके जो आइटम्स होते हैं उनको हॉरिजॉन्टली ये कर देता है। यहाँ पे आप देख लें कि ये आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, स्पेस ख़त्म हुई तो नीचे आइटम फोर, आइटम फाइव, आइटम सिक्स। तो लेवल्स के लिए हमने यही यूज़ किया है कि यहाँ पे बटन वन फॉर लेवल वन होगा, बटन टू फॉर लेवल टू, बटन थ्री फॉर लेवल थ्री, एंड बटन फोर फॉर लेवल फोर। तो यहाँ पे ये यूज़ होगा। यहाँ की जो ये आईडी है हम इसको यहाँ से रेफ़र करेंगे लेवल्स एक्टिविटी में, और यहाँ पे हम ग्रिड व्यू को रेफ़र कर रहे हैं, और यहाँ से हम इसका अडाप्टर सेट करें जो कि न्यू इमेज अडाप्टर एक क्लास है। इसको अब हम देखते हैं इस अडाप्टर क्लास के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट मतलब इसका रेफरेंस पास हो रहा है, और फिर यहाँ पे एक गेट काउंट का मेथड हो रहा है कि जिसके अंदर ये 10 रिटर्न कर रहा है कि इसके 10 आइटम्स होंगे। और फिर यहाँ पे नीचे जब हम आते हैं तो गेट व्यू इसका मेन मेथड होता है। गेट व्यू के अंदर सारे के सारे व्यूज़, व्यू बेसिकली एक बटन कह लें या एक टेक्स्ट व्यू कह लें, ये सब व्यूज़ ही कहलाते हैं। तो ग्रिड व्यू जो है इसके अंदर एक अलग अलग व्यूज़ हैं, ये एक अलग आइटम वन एक अलग व्यू, आइटम टू एक अलग व्यू, आइटम थ्री एक अलग व्यू। गेट व्यू क्या करें कि बार बार इसको कॉल करेगा और इसके व्यूज़ को सेट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि अगर पोजीशन छोटी है लेवल काउंट से तो वो इस लेवल का बैकग्राउंड सेट कर देगा ब्लू का ड्रॉएबल, यहाँ पर ड्रॉएबल सेट हो रहा है, ये वाला ड्रॉएबल सेट कर देगा। और अगर लेवल क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा, ये वाला ड्रॉएबल सेट कर देगा, ये वाला इमेज सेट कर देगा। सही, यहाँ पे फिर पैडिंग सेट हो रही है, यहाँ पे फिर टेक्स्ट सेट हो रहा है कि पोजीशन के अंदर जो है हमारी पोजीशन, ये पोजीशन जो आ रही है इसके अंदर ये बार बार ऐड कर रहा है क्योंकि ये बार बार कॉल होता रहता है, इसे बार बार ऐड कर रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट कलर सेट हो रहा है, यहाँ पे फिर सेट ऑन क्लिक लिसनर के, यहाँ पे जब क्लिक हो तो क्या हो, और अगर पोजीशन बड़ी है लेवल काउंट से तो वो रिटर्न कर दे, वरना फिर वो गेम क्लास को स्टार्ट कर दे। मतलब अगर लेवल अनलॉक हो चुका है वो वाला तो वो इसको स्टार्ट कर देगा, वरना फिर वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इमेज अडाप्टर की क्लास के अंदर बेसिकली ये हो रहा है। हमने इन दोनों क्लासेस को देख लिया, इस क्लास में इतना कुछ भी नहीं है। सही, अब हम आते हैं स्टेज क्लास पर। स्टेज क्लास बेसिकली क्या कह रहा है कि फील्ड्स एंड वैल्यूज इसके अंदर ऐसी हैं जो जनरेट कर रही हैं लेवल्स, मतलब लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री जो जनरेट हो रहे हैं वो इस स्टेज क्लास से हो रहे हैं। जो जनरेशन हो रही है लेवल्स की वो किसके थ्रू हो रही है, ऑब्जेक्ट्स काउंट की, कि मतलब इस लेवल के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे और इस लेवल के अंदर हमें कितने मतलब ऑब्जेक्ट्स उठाने होंगे। आंसर काउंट एक नीचे एक लिस्ट आ रही होगी कि आपको इस ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, और ऑब्जेक्ट काउंट मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे। हिंट काउंट ये कि आपके पास कितने हिंट्स होंगे इस लेवल के अंदर, और टाइम लेफ्ट बेसिकली कि ये टाइम कितने इस लेवल में कितना टाइम है,
टाइम लेवल भी सेम है। गैस, ये कितने ऑब्जेक्ट हमने गैस कर लिए हैं। ये क्लास सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करती है, जिसका मतलब ये सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करती है जिसका मतलब ये है कि ये सीरियलाइज, इसका डेटा सारा सीरियलाइज होगा। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होके सेव होंगे। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी जो क्लास है वो है आंसर आइटम। ये भी सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करती है। आंसर आइटम की क्लास क्या कर रही है कि जो जो आंसर के बटन यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे शो होंगे, जो जो हमें गैस करने होंगे, वो इस क्लास के थ्रू हो रहे हैं। यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग का नेम देंगे वो वहाँ पे शो होगा, ठीक। दिस डॉट नेम, दिस डॉट व्यू, और ये व्यू बेसिकली शो होगा आंसर आइटम क्लास के अंदर स्क्रीन पे। फिर हमारे पास दूसरी एक और क्लास होती है जो कि आइटम पैडम्स है, जो इम्प्लीमेंट कर, वो भी इम्प्लीमेंट कर रही है सीरियलाइजेबल को। आइटम पैडम्स मतलब कि आइटम की पोजीशंस क्या होंगी, उसका एक्स पोजीशन क्या होगी, उसकी वाई पोजीशन क्या होगी, उसका मार्जिन एक्स के मतलब एक्स से स्पेस कितनी होगी, और मार्जिन वाई और वाई से स्पेस कितनी होगी। ये आइटम पैडम्स जो हैं, जो हमारे पास हिडन ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो हमें गैस करने होंगे उनकी एक्स एंड वाई है। फिर हमारे पास एक स्टेज का कंस्ट्रक्टर आ रहा है, जिसके अंदर ये सारे के सारे ये दिस डॉट ऑब्जेक्ट काउंट मतलब जो जो हम यहाँ पे पास करेंगे वो इनको इक्वल कर देगा इसके जो हमारे पास ऊपर है, जो हमारे पास ये ऊपर है। फिर हमारे पास मेथड है परफॉर्म हिंट का, जिसके अंदर के जो ये हिंट, जब हम हिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, वो यहाँ पे हिंट के बटन पे ये फंक्शन परफॉर्म होगा कि हमारे पास दो आइटम्स अगर हमने क्लिक कर दिए हिंट पे तो फिर वो काम नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है जो कि है जनरेट लेवल का। ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके अंदर लेवल्स जनरेट हो रहे हैं। जनरेट लेवल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो मेथड है ये क्या कर रहा है कि ये जो नहीं स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा है कि जो नहीं हमारी स्क्रीन पे ये ऑब्जेक्ट्स होंगे, इनके साइजेस ये होंगे, और ये प्रोग्रामेटिकली हो रहा है। मतलब अगर हम XML फाइल के थ्रू करेंगे तो ये काफ़ी टफ हो जाएगा, इसलिए हमने इसको प्रोग्रामेटिकली किया है ताकि इजीली सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएं। इसके बाद है हमारे पास क्रिएट व्यू का मेथड। क्रिएट व्यू के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि व्यूज कैसे जनरेट हो रहे हैं प्रोग्रामेटिकली। यहाँ पे हम मार्जिन सेट कर रहे हैं, इंट मार्जिन जो कि पैरम्स डॉट लेफ्ट मार्जिन, पैरम्स डॉट राइट मार्जिन, और यहाँ पे जो हमारा गेम की फील्ड है जो कि रिलेटिव लेआउट है, इसके लेआउट पैरम्स क्या होंगे, वो होंगे ये और ये। लेआउट पैरम्स बेसिकली ये होते हैं कि हमारे पास स्क्रीन का साइज़ क्या होना चाहिए है। यहाँ पे एक व्यू क्रिएट हो रहा है, न्यू व्यू, जिसके लेआउट पैरम सेट हो रहे हैं, फिर बैकग्राउंड रिसोर्स सेट हो रहा है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट सेट हो रहा है, और इसके अंदर बस यही इतना ख़ास था नहीं। सही, अब हम आते हैं स्टेज की एक्टिविटी ख़त्म हो गई, अब हम गेम की एक्टिविटी को देख लेते हैं कि गेम की एक्टिविटी के अंदर सारा का सारा गेम प्रोसेसिंग हो रही है कि गेम कैसे, गेम की फंक्शनैलिटी क्या होगी, टाइमर क्या होगा। कि बेसिकली कॉल तो स्टेज क्लास जो है उसी से रहा है। फ्लोट डीपी अंडर स्कोर विड्थ, कि इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, इसका स्टेज कौन सा है,
गेम फील्ड के अंदर के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले किए जाएंगे और लिस्ट ऑफ आइटम्स क्या होंगे जो जो हमें फाइंड करने हैं, और यहाँ पे एक हैंड का बटन है और पाउस का बटन है। इस एक्टिविटी में इतना कुछ खास है नहीं। यहाँ पे लोड स्टेज हो रहा है कि अगर मतलब पुराना स्टेज है तो उसको लोड कर दे, और अगर नहीं है तो न्यू स्टेज को लोड कर दे। यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि अगर पुराना है तो वो पुराने वाले को लोड कर दे, और अगर नहीं है तो न्यू वाले को, मतलब अगर न्यू पे क्लिक होते तो वो न्यू पे लोड करेगा, और अगर पुराने पे क्लिक होता है प्रीवियस वाले पे जो मतलब हमने क्लियर कर लिया है तो वो ये चेक कर रहा है। और फिर है हमारे पास यहाँ पे जो नहीं है, यहाँ पे ये क्लिक हो रहा है और चेक कर रहा है कि जो हमने जो आंसर्स की जो लिस्ट है, उस जो हमने ऑब्जेक्ट लिख किया है वो आंसर्स की लिस्ट से मैच करता है, तो मतलब अगर मैच करता है तो गेस्ट प्लस हो रहा है सही। और अगर सही सही हो गया है तो यहाँ पे राइट एनिमेशन जो है वो कॉल हो रही है, परफॉर्म राइट एनिमेशन यहाँ पे कहीं पे कॉल हो रही होंगी, यहाँ पे परफॉर्म राइट एनिमेशन कॉल हो रही हैं अगर हमने सही सही गैस कर लिया है। और अगर हमने गलत गैस किया है तो और अगर हमने गलत गैस किया है तब भी आई एस राइट एनिमेशन ही कॉल हो रही है सही। यहाँ पे ये ऑन क्लिक कॉल हो रहा है कि अगर हिंट पे क्लिक हो रहा है, हिंट के बटन पे क्लिक हो रहा था हिंट को परफॉर्म करे, अगर पाउज हो रहा है तो यहाँ पे टाइमर को ये रोक देगा सही। परफॉर्म हिंट के अंदर हिंट परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे टाइम सेट हो रहा है कि अगर लेवल का टाइम ख़त्म हो जाता है तो गेम लूज, और अगर लेवल का टाइम का मतलब लेवल टाइम के अंदर क्लियर हो जाता है तो गेम विन। गेम लूज के अंदर कि गेम एंड की क्लास को कॉल कर रहा है सही, और गेम विन के अंदर भी कि एंड की क्लास को कॉल कर रहा है और अनलॉक कर रहा है लेवल्स को ना। अब हम गेम एंड की क्लास को देख लेते हैं, गेम एंड की क्लास के में अंदर क्या हो रहा है कि अगर सक्सेस फॉल्स है तो यू लूज, मतलब यहाँ पे सबसे पहले पहले हम इसका लेआउट देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे है एक टेक्स्ट व्यू, वहाँ पे हमारे पास गेम की एक्टिविटी से एक इंटेंट पास होके आ रहा है कि अगर सक्सेस फॉल्स है मतलब अगर क्लियर नहीं हुआ वो वाला लेवल तो ये जो नहीं गेम एंड ये डायलॉग शो करेगा कि आप लूज यू लूज, और अगर क्लियर हो गया है तो यू विन, और जो नहीं है वो नेक्स्ट का बटन शो होगा। और नेक्स्ट के बटन के अंदर क्या होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर ट्रू हो जाती है सक्सेस नेक्स्ट के बटन पे तो वो नेक्स्ट लेवल अनलॉक कर देगा, और अगर नहीं होता तो फिर वो वहीं पे स्टॉप कर देगा इसको, दिस डॉट स्टॉप सही। ये था हमारा कोड, इसके अंदर मैंने कंप्लीट कोड को वो नहीं किया, मतलब कंप्लीट कोड को ब्रीफ नहीं किया क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक क्लाइंट को ब्रीफ करूं। आई होप मैंने जो जो नेसेसरी चीज़ें थी उनको कंप्लीट कर दिया है, मतलब उनको एक्सप्लेन कर दिया, उनको ब्रीफ कर दिया। थैंक यू सो मच।